हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मैं हूं तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है बहुत बरसात थोड़ी है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो जब बच्चों के हाथ में मोबाइल आता है तो वो कुछ भी बटन प्रेस होने की वजह से टॉक बैक ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से टच प्रॉपर काम नहीं करता। तो लोग अब मोबाइल की दुकान पर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो आप घर बैठे कैसे अपना मोबाइल सही कर सकते हैं, ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, 2 से 3 मिनट की ये वीडियो है। दोस्तों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे मैं वीडियो में करता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से आएगा, तो आपको दो उंगली रखकर ऐसे चलाओगे तो चलेगा। अगर सिंगल उंगली से, देखो मैं कर रहा हूँ, सिंगल उंगली से नहीं जा रहा है, तो अभी डबल उंगली करूँगा जाएगा। आपको सेटिंग में जाना है, फिर डबल टैप क्लिक करना है, फिर आपको ये दो उंगली से ऐसा नीचे करना है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लिक करो, डबल टैप क्लिक करना, सिंगल पे नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, बैक करते हैं, इसमें नहीं है, और नीचे आ जाओ, हाँ इसके नीचे जनरल मैनेजमेंट के नीचे देखो एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करो। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक बैक, इस पर डबल क्लिक करो। यहाँ देखो ऊपर ब्लू कलर का ऑप्शन ये ऑन दिख रहा है, इसको आप डबल क्लिक करके ऑफ कर लो। अभी देखो ये ऑफ हो जाएगा, डबल क्लिक करो ऑफ हो जाएगा। टॉक बैक ऑफ। अभी देखो सिंगल में बैक कर रहा है फटाफट, अभी देखो बराबर चल रहा है मेरा मोबाइल। तो आपको ऐसे ही करना है।